दोस्तों बीते दिनों से बहुत सारे फोन ट्रांसपोर्ट टीवी में आ रहे हैं आपके, के क्या कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है सरकार की जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहन जो हैं वो जबरदस्ती स्क्रैप कर दिए जाएंगे। ऐसी क्या कोई नोटिफिकेशन आई है, इसके लगातार हमें फोन आ रहे हैं। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं। अगर आई है तो उसमें असल में लिखा क्या है जिसकी वजह से या जिसके आने के बाद ये सारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ है। शायद कुछ मीडिया हाउसेस ने उस रिपोर्ट को, नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं समझा है, जिस वजह से आम लोगों के अंदर एक दहशत ही कहूँगा मैं, कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए तो एक दहशत का माहौल भी है कहीं ना कहीं कि क्या सच में 1 अप्रैल से गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, असल में क्या खबर है और आपको घबराना है या नहीं घबराना है। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों हमारे देश के अंदर पहले से ही स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू है और मैं बता दूं कि 2010-12 से इसकी कोशिश हो रही है, इंडस्ट्री के द्वारा हो रही थी। स्याम जो बॉडी है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, उनकी एक बहुत ज़ोरदार ये मांग रही है। मैं उनके जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम होते रहे उनसे मेरी बातचीत होती रही है, बहुत देर से इसके ऊपर बात होती है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी होनी चाहिए, कभी 10 साल वाहन पुराने वाहनों के, कभी 12 साल, कभी 15 साल। तो ये बहुत सालों से इसके पीछे कोशिश चल रही है। हालांकि इसको बोला जाता है कि सेफ्टी के लिहाज से, पोल्यूशन के लिहाज से इसका लागू होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन फिर अगर ये सिर्फ पोल्यूशन और इसी का मामला होता तो जो वाहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनकी जो संस्थाएं, उसको इसके अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों है? जब उनको बोला जाता है कि BS4 टू BS6 करो, तब तो उनका बड़ा कोशिश होती थी कि भाई इसको थोड़ा डिले करो, सरकार को बोलते थे कि इतनी जल्दी कैसे होगा कैसे होगा। और जब वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर है तो स्याम की जितनी एनुअल कन्वेंशन की आप मीटिंग्स उठा के देख लीजिए, उसमें वो दरख्वास्त करते नज़र आते हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री को कि इसको जल्दी लागू करिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो खैर मैं इस पर क्या बोलूँ, आप लोग सब समझदार हैं कि क्यों वाहन निर्माता कंपनियों का इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्ट रहा, जोर रहा। खैर उसको छोड़ देते हैं, सरकार का तरकीब मान लेते हैं कि पोल्यूशन कम करने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी आई, सेफ्टी बढ़ाने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी आई एंड ऑल दैट, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी कह रहे हैं, उससे तेल बचेगा, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव बताए गए। और ये फिर लॉन्च कर दी गई 2022 की, इसकी पूरी डिटेल है और टाइम टू टाइम हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसके ऊपर खबरें करते रहे। अब जो तहलका मचा है वो क्यों मचा है, अब नया क्या हो गया जिसके बाद ये सब हुआ। ये 16 जनवरी 2023 को एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नोटिफिकेशन आती है और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनकी भी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर थी, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए था। असल में हुआ ये है, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि 9 लाख के करीब सरकारी वाहन जो हैं 15 साल पुराने वो 1 अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है उसमें भी सिर्फ इतना ही लिखा गया है जो मंत्री जी का बयान छपा है। और इसका जो अमेंडमेंट हुई है, इसके नियम पहले आ गए थे ड्राफ्ट, अभी फाइनल नोटिफिकेशन है, तो इसका नाम दिया गया सेंट्रल मोटर व्हीकल्स फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2023। और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे और इसके अंदर क्या है, रूल नंबर 52A इंसर्ट कर दिया है। 52 के बाद अब एक नया रूल 52A आ गया है। वो क्या कहता है, ये आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर है, ये रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी वाहन, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन रूल 52, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल ओन्ड बाय। तो जो भी ये नियम बोलने जा रहे हैं वो सिर्फ इन वाहनों पर लागू होगा, इनकी मलकियत वाले वाहनों पर लागू होगा। किन की मलकियत वाले? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वाहन, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी वाहन, तीसरा
एनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, हजारों हमारे देश में, उनका उनके उनका खरीदा हुआ कोई भी वाहन सरकारी। चौथा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जितनी सरकारी बसें हैं इस्टेब्लिश अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जितनी बनी, उनकी कोई भी किसी भी तरह का वाहन हो, चाहे बसें हों चाहे और भी कुछ खरीद रखा है वाहन। अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोल इंडिया है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं इनके द्वारा इनके अपने ऑफिसर्स वगैरह के लिए गाड़ियाँ खरीदी होती हैं, जो भी गाड़ी इनके पास है वो। और छठा, एन ऑटोनोमस बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी और ऑटोनोमस बॉडी, उन्होंने कोई वाहन खरीद रखा है जिनको हम सरकारी वाहन कहेंगे, ये छः कैटेगरी है, उनके लिए ये नियम आए हैं और कोई भी इसके अंदर नहीं है। इनके लिए क्या आया है बता दूँ, शेल एक्सपायर आफ्टर द लैप्स ऑफ 15 ईयर्स एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 41 फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन द व्हीकल। जब पहली बार रजिस्टर हुए थे ये वाहन, उससे कैलकुलेट करना है, उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा रिन्यूअल होगी ये वो उसका कोई मतलब नहीं है। शुरू में पहली बार जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जब खरीदी थी, उससे लेकर 15 साल कैलकुलेट होंगे, और ये वाहन उसके 15 साल अगर पूरे हो गए तो नहीं चलेंगे 1 अप्रैल के बाद। लिखा है प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल इफ ऑलरेडी रिन्यूड, अगर पहले बिफोर लैप्स ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन, अगर 15 साल खत्म होने से पहले ही उसको रिन्यू कर दिया है, सच सर्टिफिकेट शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, उस सर्टिफिकेट को कैंसिल माना जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। समझे, मान लीजिए 15 साल पूरे होने से 6 महीने पहले ही आपने अगले और 5 साल के लिए उसको रिन्यू करानी थी रजिस्ट्रेशन, वो नल एंड वॉइड नहीं मानी जाएगी, बस शुरू वाली डेट से 15 साल तक ही मानी जाएगी। अगर 1 अप्रैल के बाद 15 साल पूरे हो चुके हैं तो वाहन ऑन रोड नहीं चलेगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा। और ऐसे बताया जा रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही है मीडिया के अंदर, कि मंत्री जी ने बोला है 9 लाख ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो 9 लाख और गाड़ियों की रिक्वायरमेंट इससे कम से कम पैदा होगी। और साथ में ये लिख दिया है के प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द स्पेशल पर्पज व्हीकल्स यूज फॉर ऑपरेशनल पर्पसेज फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी। पुलिस और फौज की जो गाड़ियां हैं उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, या और भी जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह भी शायद इसी में आ जाएंगी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी गाड़ियां लगी हुई हैं वो नहीं इसके अंदर शामिल है, इस पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं होगी, सिर्फ जो मैंने शुरू में 6 बोली थी वही लागू होंगी। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो मुख्य तौर पर इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, किसी भी तरह का प्राइवेट वाहन, किसी भी तरह का प्राइवेट कमर्शियल वाहन जो है, ट्रक हो, बस हो, टू व्हीलर हो, कार हो, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो वॉलंटरी है, उसमें जबरदस्ती नहीं कर रही है सरकार, ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। जो दिल्ली की बात है कि वहाँ 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन, 10 साल पुराना डीजल वाहन नहीं चलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो भी किसी सरकार ने नहीं बनाए थे। और जो एक मुंबई का केस है जहाँ पर 8 साल से पुराना कमर्शियल वाहन नहीं जा सकता, वो भी कोर्ट के ऑर्डर थे। उसके अलावा जो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके अंदर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जबरदस्ती 15 साल पुरानी अगर चला ही नहीं सकते आपको पकड़ कर स्क्रैप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एक दो जगह जैसे मैंने बताया दिल्ली मुंबई, हो सकता है एक आधी जगह और हो, उसको छोड़कर स्क्रैपिंग पॉलिसी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी को जबरदस्ती स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर आप उसके बाद चलाना चाहते हैं और अगर गाड़ी फिट है, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा फिर तो हो सकता है 10 साल पुरानी गाड़ी भी ना चले, लेकिन अगर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहे हो 15 साल से पुरानी और आप फीस वगैरह सारी भर रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो। आज की डेट में बात कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और ये जो ताज़ा अभी आया है वो सिर्फ सरकारी वाहनों के ऊपर लागू होता है, डिफेंस और पुलिस वगैरह के वाहनों को छोड़कर वो भी। और आपको कोई चिंता की अभी बात नहीं है, बहुत सारी अफवाहें मार्केट में हैं, अफवाह का कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सरकारी ऑर्डर नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, स्क्रैपिंग पॉलिसी का पर्पज़ क्या है, स्टिक एंड कैरेट बोलते हैं अंग्रेजी में, डंडा और गाजर, डंडा भी मारा है थोड़ी गाजर दिखाई है। तो जो टैक्स वगैरह में छूट है वो तो हो गया, कैरेट गाजर दिखाई है कि भाई छोड़ दो 15 साल पुरानी और नहीं ले लो। और स्टिक क्या है, डंडा क्या है, इनडायरेक्टली वो ये मारा गया
कि जैसे फिटनेस फीस है, अगर मान लीजिए लाइट मोटर व्हीकल है तो उसकी 200 रुपये है, और अगर 15 साल पुरानी गाड़ी है उसकी 7500 है, और मीडियम व्हीकल है तो 200 है उसकी भी, और लेकिन इसकी है 10,000 15 साल पुरानी की, और अगर हैवी गाड़ी है तो उसकी 15 साल से कम 200 रुपये है, और रिवा इसकी है 12,500। तो ये एक तरीके की साल की पेनल्टी है, आप ऐसे लगा लो है ना, 10-12,000 रुपये की साल की पेनल्टी ले ली आपसे, ताकि आपको लगे कि खर्चा मेरा यार ये ज़्यादा ही हो जा रहा है, फिटनेस पर बेच ही देता हूँ, मेंटेनेंस वगैरह तो पहले ज़्यादा पड़ रही होगी। तो ये सेकंड कैरेट पॉलिसी, और भी डिटेल है स्क्रैपिंग पॉलिसी, वो दे देंगे आपको, दोबारा से एक वीडियो बना देते हैं फ्रेश। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़बरदस्ती गाड़ियाँ 1 अप्रैल से स्क्रैप होने जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ होने जा रही हैं, जैसे कि मैंने बताया। और इस नोटिफिकेशन की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद अपना एक वीडियो जारी करके स्पेशल मैसेज भी दिया, उसमें उन्होंने खुद क्लेरिफाई भी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी, अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को और ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए, और ये अंत में आप ये क्लिप सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। पिछले कुछ दिनों तो कई साडे भैन भरा जिहड़े आ ओह परेशान हो रहे आ कि जिहड़ी पंजाब सरकार वल्लों स्क्रैप पॉलिसी लियांदी गई आ कि शायद साडी जिहड़ी कमर्शियल गड्डी आ ओह 8 साल बाद स्क्रैप हो जाणी आ, जां साडी जिहड़ी घरेलू गड्डी आ ओह 15 साल बाद जिहड़ी आ ओह स्क्रैप च चल जाणी आ। इहो जिहा कुछ नहीं गा, सरदार भगवंत सिंह मान जिहड़ी पंजाब सरकार आ ओह लोकां दी सरकार आ, लोक हितैषी सरकार आ, इहो जी कोई भी गल नहीं गी। इह जे कोई पॉलिसी अपनाउणा चाहुंदा आ इह उहदे वास्ते ऑप्शन आ, कोई कंपलसरी नहीं, ना कोई पंजाब सरकार वल्लों नोटिफिकेशन कीता गया। जे कोई वीर कमर्शियल वाहन 8 साल 10 साल 12 साल बाद भी आपकी पासिंग करवाउणा चाहुंदा आ, उहदी पासिंग RTA दफ्तरां च हो रही आ, ते नाल जिहड़ा कोई घरेलू व्हीकल आ 15 साल छड्डो 20 साल बाद भी जो कोई पासिंग करवानी चाहुंदा वा, साडे RTA दफ्तरां दे विच निरंतर पासिंग हो रही आ। इहो जी कोई गल नहीं कि किसी की कोई गड्डी 8 साल जां 15 साल बाद स्क्रैप होने वाली, कोई इहो जी गल नहीं गी। बाकी रही गल जिहड़े साडे वीर डर रहे ने, मैं उन्हां वास्ते एक बार फिर तो दस देना कि जे आपां पॉलिसी अपनाउने आ, जिहड़ा कमर्शियल वाहन है अपने कोल, जे आपां 8 साल तो पहलां उहनूं स्क्रैप च दे के ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 15% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਹੀਕਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੈਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25% ਛੋਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਦਾ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਢੇਰੋਂ ਚਿੰਤਾਏ ਹੈ, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें, या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।